गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा, एम्पायर की उंगली का मुकाबला अंगूठे से करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालेकंड में जलसे से खताब, कहा इमरान खान अक्सरियत खो बैठे, हुकूमत खत्म हो गई, अवाम की ताकत से कठपुतली को भगाएंगे। हम वक्त के जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, कोई गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैर जमहूरी शख्स का मुकाबला जमहूरी तरीके से करेंगे। इत्तेहादी अब इत्तेहादी नहीं रहे, हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया। तहरीक इंसाफ का इत्तेहादियों से मजीद राबते न करने का फैसला, हुकूमती कमेटी का आवाम और अदालतों में लड़ाई लड़ने का मशवरा। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को बाकी अरकान को अदालतों के जरिए नाअहल कराने की हिदायत। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद और 27 मार्च के जलसे पर मुशावरत। सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी को गलत फहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं। चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, चौधरी निसार से 40 साल पुराना ताल्लुक है, अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। अपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर दिए, 27 मार्च को जलसे में सरप्राइज दूंगा। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। माफिया मुल्क में तरक्की नहीं करना चाहता, हम फैसला आवाम की अदालत में छोड़ते हैं। पच्चीस मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा, 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन चाहेगा वोटिंग का दिन मुकर्रर करेगा। 27 मार्च के जलसे में वाजे हो जाएगा आवाम किसके साथ हैं। वज़ीर दाखला शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर आज़म के पास अभी बहुत कार्ड्स हैं। वोट किसको देना है अभी फैसला नहीं किया, तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर लियाकत की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, दोस्ती पहले से थी कभी खत्म नहीं हुई, खान साहब तहरीक में एतमाद नाकाम बनाने के लिए पुरुमीद हैं। नून लीग ने लॉन्ग मार्च को महंगाई मुकाम मार्च का नाम दे दिया, लाहौर से काफिला कल दिन 1 बजे मॉडल टाउन से रवाना होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मार्च की क्यादत करेंगे, रात गुजरांवाला में कयाम, शुरका 25 मार्च को सराय आलमगीर में रात गुजारेंगे, 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेंगे। लाहौर में लॉन्ग मार्च के लिए खसूसी कंटेनर तैयार। गूंज रही है ये आवाज, शाद रहे पाकिस्तान। यौमे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में मुसल्ला अफवाज की शानदार परेड, दुश्मन को नीसो नाबूद करने वाले तबाहकुन हथियारों की नुमाइश। अल खालिद और अल जरा टैंक ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी, फतेह बन रॉकेट सिस्टम, शाहीन, गौरी, नसर समेत जदीद तरीन मिजाइलों और आलात हरब की नुमाइश। J-10C, JF-17 थंडर, F-16 मेराज तैयारों की घनगरज।